अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर और खुश आमदीद। उम्मीद है कि ए प्लस दिन का आगाज़ हो गया है। ए प्लस दिन है, मेरा और आपका साथ है। और ये जो मैं इस वक्त अपने प्यारे प्यारे से प्लांट्स से खेल रही थी, आपको पता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं ना, ये भी बातें करते हैं। अगर आप उनसे बात करो या उनसे कोई अच्छी चीज़ कहो या उनका ख्याल रखो, तो वो बकायदा आपको जवाब भी देते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो ना सिर्फ हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखना चाहिए और उनसे सही तरीके से बात करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, बल्कि इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में होती हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। एक मेरा बहुत अच्छा वन ऑफ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, मुझे ये बात बताई गई थी कि ज़िंदगी में दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना, और ये मैं बार बार इसलिए शेयर करती हूँ कि ये बात इस बात ने मेरे दिल पे बहुत असर किया था। कहा यह था कि एक तो लोगों का हक या किसी भी चीज़ का हक, जो जो चीज़ें आपकी सराउंडिंग्स में हैं, उसका हक अदा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके घर में लगे हुए छोटे छोटे प्लांट्स ही क्यों ना हो। और ऑब्वियसली जो लोग हैं वो तो आते ही, वो तो प्रायोरिटी है ही। इसके साथ साथ एक और बात जो कही थी वो ये थी कि वो रब जिसने आपको इतनी नेमतें दी हैं, इतनी खुशियां अता की हैं, उसके सामने सजदा और उसका शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। और आपको याद होगा कि अपने कल के प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे थे कि अगर हम हर वक्त अपने रब का शुक्रिया अदा करें और उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तो आपकी नेमतों के अंदर, आपकी खुशियों के अंदर जो इजाफा है वो बढ़ता और होता चला जाता है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिए, कंप्लेंस करना अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए और शुक्रिया कहिए एक दूसरे को। और क्योंकि शुक्रिया की बात है, तो मैं अपनी तमाम सहेलियों को और अपने उनके घर वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपको पता है, एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा यहाँ पे, वो ये कि नॉर्मली जब हम शोज़ देखते हैं तो होता ये है कि लोग फ़ोन करके कहते हैं कि हमें ये चाहिए या हमें वो चाहिए, और इसमें बुराई कोई नहीं है, ठीक है, हर इंसान का अपना हक होता है और वो अगर मांगते हैं तो ये भी एक खूबसूरती और मोहब्बत का इजहार है। कहा जाता है कि इंसान को गिफ्ट्स देने चाहिए, ये जो लेन देन का सिलसिला है ये होता रहना चाहिए, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी मोहब्बत जो है वो बढ़ती चली जाती है। मगर मुझे इतना फ़ख्र है और इतनी खुशी है अपनी तमाम सहेलियों का साथ जो ये बंधन बंधा है, कि आप यकीन करें, मुझे जितनी सहेलियां मुझे फ़ोन कर रही हैं वो ये नहीं कहती हैं कि हमें आपसे कुछ चाहिए, वो हमें मुझे ये फ़ोन करके कहती हैं कि हम चाहते हैं कि हम आपको ये भिजवाएं, हम आपको गिफ्ट्स भिजवाना चाहते हैं। वो कहती हैं कि हम आपको कपड़े आपके लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं, जिसमें मेजरली मैं दो जो मेरी सहेलियां, उनका नाम ज़रूर लूँगी, एक है शकीला फैसलाबाद से, उनका मुझे कल फ़ोन आया था, उन्होंने भी ये बात कही, और दूसरी हैं शायदा, उनका मुझे मुल्तान से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे आप बताएं अपना पूरा नाप बताएं ताकि मैं आपको कपड़े भिजवा के दूं। इस बात को बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं चाहती हूं कि आप मुझे कोई ऐसा गिफ्ट दें। आपकी मोहब्बत, आपके वो अल्फाज, आपका वो ट्रस्ट, वो जो एतबार आप मुझ पर करते हैं और अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं, मेरे लिए यही बहुत कुछ है। मगर ये मोहब्बत का बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिन मेरी सहेलियों का फ़ोन आया वो बहुत अमीर नहीं है, उनके घर में शायद एक वक्त की रोटी भी उनको खाने के लिए मुयस्सर ना हो, मगर ये वो मुखलसी है जिसकी वजह से वो मुझे ये फ़ोन करती हैं और ये बात कहती हैं, और मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशकिस्मती की बात है। अच्छा, आज का दिन जो है वो बहुत अहम है, वो इस तरह से कि वैसे तो हर दिन बहुत अहम होता है और उसको खूबसूरत, बामकसद और बामानी हमने बनाना है, मगर आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि आज पाकिस्तान जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसका पहला मैच खेलने जा रहा है और वो है कीनिया के साथ, और बहुत सारी होप्स जो हैं हमारी हाई हैं क्योंकि हम अपने इस प्रोग्राम में पैगाम ही मस्बत सोच का देते हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं हमारी क्रिकेट टीम के साथ है, तमाम पूरी नेशन जो है आज इंतज़ार कर रही है, चाहे ख्वातीन हैं, चाहे मर्द हजरात हैं, चाहे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग, हर कोई बस इंतज़ार में होगा कि किस वक्त मैच शुरू हो और हम देखें। और बहुत सारी दुआएँ हम वो जो हम लोगों ने कल बात की थी ना पॉजिटिविटी के हवाले से,
कि ना सिर्फ पॉजिटिविटी और मस्बत सोच से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि इर्द गिर्द के लोग और इर्द गिर्द का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें भी हम पॉजिटिविटी भेज सकते हैं। और आज जितनी भी मेरी सहेलियां मुझे देख रही हैं या मुझे सुन रही हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जो पॉजिटिविटी की एक लहर है वो पूरे पाकिस्तान से जानी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ। वो कि वो थोड़ा दूर है हमसे, मगर अगर ये रेज हम उनको भेजेंगे, ये दुआएं, ये खुशियां और ये उम्मीद पॉजिटिव करेंगे कि इंशाल्लाह वो जीतेंगे, तो यकीन कीजिए इंशाल्लाह कल मैं यहाँ पे खड़े होके आप सबको मुबारकबाद दे रही हूँगी कि हाँ, आज का मैच हमारी क्रिकेट टीम जीत गई है। एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं चाहूँगी कि आप लोगों को अपना नंबर मैं बता दूँ। आई नो पैकेज है, पैकेज के बाद ब्रेक होगी, मगर उससे पहले आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है 04235917132। अगर आपने हमें SMS करना है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है SMS के हवाले से, लोग खाली JSK नहीं लिखते, तो आप लोगों ने अगर हमें मैसेज करना है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, जो हम हर रोज़ वादा आपसे लेते हैं, उस हवाले से कोई आपने हमसे बात करनी है, हमसे वादा करना है, तो हमें मैसेज कीजिए। जब आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करके भी आपने हमसे बात करते हैं, आप तारीफ़ करते हैं, बहुत मेहरबानी, मगर उसके साथ साथ जो एक वादा वफाई का सिलसिला शुरू किया है वो फ़ोन करके आपने हमें यकीन भी दिलाना है कि इंशाल्लाह आप उस पर अमल करेंगे। हमारा उसके लिए जो एड्रेस है SMS का, वो है JSK, स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपना मैसेज लिखिए और हमें सेंड कीजिए 2886 के ऊपर। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें ख़त लिखना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है PO Box 5121। और अगर ईमेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमें लिखना है js@a-plus.tv के ऊपर। तो इंतज़ार रहेगा आज आपके इस इंटरेक्शन का, और आज से वादा जो है वो फ़ोन करके बताना है कि हम वादा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको दिखाएं, बताएं कि वादा क्या है, क्लिप देखते हैं और देखते हैं कि आज किस बात पे हम आपसे और हम मिल के वादा कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, आपने देखा कि दो बच्चे लड़ते जा रहे थे और वहाँ पे उनके दोस्त मौजूद थे, और एक ऐसा सिलसिला था कि जैसे कोई तमाशा लगा हुआ, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मगर कोई उस शख्स की मदद करने के लिए, उन दो लोगों के लिए नहीं आ रहा। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये पाई जाती है हमारे माशरे के अंदर, और बहुत अफसोसनाक वाकया कुछ दिन पहले भी हुआ था, हम जानते हैं, सियालकोट के अंदर, जिसके अंदर एक सानिया हुआ था और लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि क्या इस कदर बेहिसी हो गई है। हम रिलीजन के हवाले से तो बात बहुत बाद में आती है, क्योंकि उसके अंदर तो जो मॉरल वैल्यूज़ या जो बातें बताई जाती हैं वो तो बहुत इंसान को आला दर्जे पर ले जाती हैं, मगर बहसियत इंसान हमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसा रवैया हमारा होना चाहिए। हम तो अपने उस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं कि जो लोगों के अंदर मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम, जब हम अपने इस्लाम की बात करते हैं तो वो भी आपको अमन का पैगाम देता है, तो क्या हम उसका हक अदा कर रहे हैं? और मुसलमान बनना तो ज़रा दूर की बात है, मगर क्या हम इंसानियत का दामन थामे हुए हैं या नहीं? बस आज इसी बात के ऊपर वादा करना है कि खुदारा, अगर कोई आपके इर्द गिर्द इस तरह की लड़ाई लड़ रहा है जो कि हाथापाई हो रही है, तो प्लीज़ तमाशा ना बनाएं उसको, और ना उस तमाशे का हिस्सा बने, बल्कि कोशिश करें कि आपके अमल से, आपकी बात से दो रूठे हुए मान जाएं, दो लड़ने वाले मान जाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इंसान की। और कहा यह जाता है कि बहुत सी इबादतों से बढ़कर है कि आप दो रूठे हुए लोगों को
मना लें। तो आज से यही वादा है कि बस अगर कोई लड़ रहा होगा, और अगर आप भी कभी किसी से लड़ रहे हैं, मैं भी कभी कभी लड़ती हूँ थोड़ा थोड़ा अपने हस्बैंड से, तो मैं भी आपसे वादा ही करती हूँ कि मैं इस चीज़ को याद रखूँगी कि मैंने आपके साथ मिलके वादा किया है, और इस चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, सुलह सफाई के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी को खूबसूरत, बामकसद और बामानी बनाएंगे। आज हमारे इस शो के अंदर हम एक बहुत बड़ा मकसद लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ आज भी हैं माहम बानो, जो आपके साथ शेयर करेंगी और आपको बताएंगी कि आप अमन के रखवाले कैसे बन सकते हैं, आप किस तरह से पीस कीपर बन सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। तो हमारे साथ रहिएगा।